हमारे करौली की ऐतिहासिक धरोहर था शाही कुंड। यह कुंड देख रेख के अभाव में अपना अस्तित्व खो रहा था। 2011 में पत्रकारों ने श्रमदान किया, वे श्रमदान करने के बाद विधायकों से 5 लाख रुपए स्वीकृत कराए। यह 5 लाख रुपए 2012 में मिलने के बाद रियासतकालीन शाही कुंड पर नया वैभव देखने को मिल रहा है। स्थानीय विधायक महोदय हैं, उन्होंने भी 5 लाख की अनुशंसा की इसके रिपेयर और सुंदरीकरण के लिए, जो काम अभी चल रहा है आप देख रहे हो। और एक्शन पीडब्ल्यूडी का ये कहना है कि और जो एस्टिमेट्स में वो काम करने के बाद और जो लोगों की जो ये है सुझाव है उसको भी अपन करेंगे। जैसे दो सुझाव आए कि कुछ चीज़ें यहाँ टूट रहे हैं, उसका भी शायद एस्टिमेट में है, क्योंकि वो काम नेक्स्ट करेंगे वो लोग। उसके अलावा जैसे गंदे पानी और लोग पानी इधर डालते हैं और सिपेज होके वो कुंड के अंदर आ जाते हो पानी, वो सिपेज के जो पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई करके फिर उनको वो सिपेज बंद करेंगे, ताकि वो एक बार ब्लॉक हो जाए तो फिर वो सिपेज नहीं होगा, पानी अंदर नहीं जाएगा। और जहाँ तक आमजनों की बात है, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इसके अंदर कचरा या गंदगी ना फैलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक धरोहर है और इसको पूरी तरह से इसका संरक्षण करना सबकी जिम्मेदारी है। प्रशासन के साथ इसमें आमजन भी पूरी तरह से भागीदारी निभाएंगे तो अच्छा रहेगा। करौली की विधायक रोनित सिंह ने शाही कुंड के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। इस पूरे एपिसोड में खासकर पत्रकारों की भूमिका करौली क्षेत्र में सराही जा रही है और पत्रकारों का ये दावा है कि शाही कुंड अपने पूर्ण वैभव पर आकर और पुरानी रौनकता को लौटाएगा, ऐसा पत्रकारों का ही नहीं आमजन का विश्वास है। जो भी व्यक्ति कचरा फेंकते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ भी अपन सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये जो अभियान है ये काफ़ी जल्दी शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में, और नगर पालिका या नगर परिषद प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां हो गई है। इसमें नगर परिषद और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है इनके दोनों के ये से कोऑपरेशन से समन्वय से और साथ साथ जो यहाँ आमजन हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके सहयोग से इसकी सफाई का जो अभियान है शुरू किया जाएगा। मेरा मानना है कि किसी चीज़ का बीड़ा उठाया जाए तो परिवर्तन आना तो निश्चय ही है। आखिरकार पत्रकारों की मेहनत रंग लाई, उसी के साथ जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के सहयोग से अस्तित्व खोती हुई धरोहर को नया जीवन दान मिला। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।